नमस्कार स्वागत है आपका मुद्दा में मैं हूँ रामवीर श्रेष्ठ और आज हम बात करेंगे दसवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में और आज हम बात करेंगे स्वयं और समाज के भीतर योग के सरोकार को लेकर हम ये समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से कि योग आज करोड़ों लोग जो हैं वो अपने जीवन में योग को अपना चुके हैं योग की जो पारंपरिक जो उसकी अप्रोच है वो क्या है और उसकी आधुनिक अप्रोच वो क्या है दोनों के बीच में जो तारतम्यता है सूत्र है उसे हम कैसे बनाकर और बांधकर रख सकते हैं क्योंकि अगर हम उस परंपरा की बात करें तो कृष्ण तो कहते हैं कि योग योग में रहना है इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ एक घंटा योग नहीं करना है आपको 24 घंटे योग में रहना है अब योग में रहने का क्या मतलब है ये भी हम अपने मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे अगर हम परंपरा से समझने की कोशिश करें तो समझ में यही आता है कि योग में रहने का मतलब यह है कि आपको 24 घंटे अवेयर रहना है जागरूक रहना है सजग रहना है और ये सजग किसके बारे में रहना है स्वयं के बारे में भी रहना है समाज के बारे में भी रहना है व्यष्टि से समष्टि तक समष्टि से सृष्टि तक जब आप एक रूप हो जाते हैं तो तब आप योगमय हो जाते हैं और इसी से हम इस सारी चर्चा को इस सारी बातचीत को हम शुरू करेंगे क्योंकि योग आज वो शक्ति है जो विश्व में भारत की सॉफ्ट पावर के तौर पर देखी जा रही है समझी जा रही है तो यहाँ से हम आज एक अलग तरह की चर्चा को आ, निकालने की कोशिश करेंगे उस पर बात करने की कोशिश करेंगे हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं डॉक्टर वसव रेड्डी हैं पूर्व निदेशक हैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के और चेयरमैन हैं अप्पा योगा अकेडमी के और हमारे साथ था वीरेंद्र गुप्ता जी हैं आप अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सनसेट टीवी में सबसे पहले डॉक्टर रेड्डी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर रेड्डी हम इस बातचीत को क्या यहाँ से शुरू कर सकते हैं समझने की कोशिश कर सकते हैं जो मैंने एक मेरी जिज्ञासा स्वयं में प्रकट की कि योग की एक अप्रोच पूरी तरह से एथिकल है पारंपरिक है ऐतिहासिक है और एक अप्रोच आधुनिक भी है इन दोनों के बीच में जो तारतम्यता है वो बनी रहे वो सूत्र कहीं पर भी ना बिगड़े न टूटे इसके लिए आपके पास कुछ मेजरमेंट हैं जो आपने समझे हैं और आपने लेने की कोशिश की है yes. सबसे पहले आप सभी को श्रोताओं को विक्षकों को और आपको और हम सब सभी को मैं मैं प्रणाम करता हूं आपने बहुत अच्छा प्रश्न से इस समाज को प्रारंभ किया है जी आ, आपको योग का इतिहास देखिए वेद पूर्व काल से जो लिखित इतिहास है हमने माइथोलॉजी के बारे में बात नहीं करता हूं जो अवेलेबल इतिहास से देख लीजिए आजकल जो हमने बदलाव आधुनिकता बता रहे हैं और काल और देश में ये चीजें भी उन जमाने में वही जो आधुनिकता समझते थे लोग सो इसलिए योग एक निरंतर परिवर्तन होता है कि जन मनस में आज भी रहा है कि क्योंकि वो जो लोगों का जो जिंदगी में जो बदलाव आता है समय के अनुसार काल के अनुसार देश के अनुसार टाइम एंड स्पेस इंग्लिश में कहते हैं उसके अनुसार पुरातन काल से आज तक जो बदलाव आया है लेकिन आज क्या हो गया है कि हमारा माध्यम विशेष तौर पर एक दशक में पिछले पांच छह सालों में जो कोरोना के बाद जो ऑनलाइन हुआ सोशल मीडिया का प्रभाव युवाओं पर और हर एक व्यक्ति पर हुआ है हमारे ऊपर भी हुआ है हुआ। उसका अनुसार जो हुआ है कि योग का जो व्यक्तिगत ढंग से जो कनेक्टिविटी था वो इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से हो रहा है वो मैं बदलाव सोच रहा हूँ लेकिन योग में आज पुरातन में जो था आज भी है अच्छे लोगों के साथ या टीचर्स के साथ जाइए वही शिक्षा आज भी मिलती है लेकिन कालानुसार उनका जो प्रेजेंटेशन करते हैं साइंटिफिक साइंटिफिक अप्रोच ज्यादा आने लगे वहां भी के नहीं था वैज्ञानिक लेकिन उनका पैरामीटर अलग थे क्योंकि उस जमाने में हमारे पास इतना इक्विपमेंट्स नहीं थे इन लोगों ने इसको कहा कहां टू मेथड अपनाया इट्स कॉल्ड बियॉन्ड सेंसेस एंड बियॉन्ड रीजनिंग मतलब इंद्रियातीत बुद्धियातीत अपनाकर उन लोगों ने तिथि को जानने का प्रयास किया। तो वो वो लो लोग लोग आते व्यक्ति से व्यक्ति से पर्सनल हो जाते हैं। आजकल उसको यूनिवर्सल करने उस योग को हम ज्यादा अपना रहे हैं ये दूसरा पहलू है इसलिए कि मैं हमेशा ये कहता कि हमारे योगियों भी वैज्ञानिक थे वैज्ञानिक से ज्यादा वो ऊपर थे क्योंकि उनका Uh, बौद्धिक से ऊपर जाकर वो इंटीटिव नॉलेज मतलब योग प्रत्यक्ष में उन लोगों ने अनुभव करते थे वो बदलाव ही नहीं हो सकता था बिकॉज इट्स बियॉन्ड साइंस एंड इंटेलेक्ट ठीक है सो so, uh, लेकिन उसमें प्रस्तुत करने के लिए उन लोगों के पास इक्विपमेंट थे लेकिन एक व्यक्ति को दूसरा ढंग से वो नॉलेज बांट लिया तब वो नॉलेज में कुछ बदलाव आ जाते जा आजकल ऐसा नहीं है कि हमारे पास इक्विपमेंट डेवलप हो रहा है

मैं इसको हमेशा आलोचना करता हूँ किस चीज की तरफ इशारा है आपका किस तरह की चीजें जिसको आप एक तरह से मतलब है कि आजकल समझ लीजिए लोग आजकल युवावा है कि उसके ऊपर हमारा जो सेलिब्रिटीज है वो खेल जगत के होंगे सिनेमा जगत के होंगे कोई भी जगत के होंगे वो कुछ भी बोलेंगे हम फॉलो कर लेते हैं बिल्कुल जिम में गया है सिक्स पैक एट पैक वो चालू हो जाती है वो गर्ल्स है स्लिम करने के लिए कुछ भी डाइट जो वैज्ञानिक ने उसको फॉलो कर लेते हैं और योग का नाम पर जिम में जाकर हमने ऐसे ऐसे अभ्यास करते हैं आजकल कर देख रहे हैं बहुत जिम में जाने वालों का हार्ट अटैक हो रहा है बहुत सारी चीजें बीमारी आ रहे हैं चाइना में जो योग के नाम पर करी सिक्स परसेंटेज से ज्यादा इंजुरी हो रहे हैं मैं जब लास्ट टाइम चाइना गया था उन लोगों का यही शिकायत था गवर्नमेंट ऑफ चाइना का यहाँ योग के नाम से इतना हो रहा है इसलिए वो लोग इंडियन योगा सीखना चाहते हैं मतलब एक ये योग के नाम पर हमने जो एरोबिक्स कर रहा है ये कर रहा है कि विदाउट बॉडी माइंड को बिना समझे हम योग अभ्यास को अपना रहे वो नुकसान पहुंचा सकते हैं लॉन्ग टर्म में वो मेरा आलोचना मतलब अगर आपको लेकिन बिल्कुल अगर आपको फिजिकल एक्सरसाइज ही करनी है तो उसके लिए और बहुत सारे खेल हैं बहुत सारी चीजें हैं लेकिन योग का अपना एक दर्शन है अपना एक शास्त्र है अपनी कुछ रीति नीति नियम है योग को उसी आधार पर और करना चाहिए जिसे भारतीय योग चाहिए। दर्शन... हाँ। और और शुद्ध जो ट्रेडिशन और विज्ञान दोनों में अंतर नहीं समझता मैं मैं फिजिक्स का विद्यार्थी हूँ तत्व शास्त्र और योग का भी विद्यार्थी हूँ दोनों में तीनों में मैंने मास्टर्स किया है लेकिन मैं समझता हूँ कहीं भी हमारा योगियों ने कभी विज्ञान से अलग होकर बात ही नहीं किया लेकिन हम उसको समझने के लिए हमें उसको अभ्यास करना चाहिए बिकॉज आप अभ्यास नहीं करते योग का अनुभव नहीं करते आप अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते लेकिन आजकल क्या होगा दो चार वीडियो देख लेते आप शिक्षक बन जाते हैं उसका अनुभव ही नहीं है आपके पास ग्लैमर है आपके पास अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी है आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया मैं अभी पिछले दो तीन महीने से देख रहा हूँ बहुत ऐसी चीजें आ बिल्कुल हमारे साथ वीरेंद्र गुप्ता जी जुड़े हैं आप अध्यक्ष हैं अंतरराष्ट्रीय सहयोग परिषद के वीरेंद्र जी एक बात है जिसको और थोड़ा सा समझने की जरूरत है जो इंडियन डायस्पोरा है जो भारतीय और भारतीय मूल के लोग जो दुनिया भर में फैले हुए हैं वहाँ पर योग की जो अप्रोच है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं देखिए अगर अंतर्राष्ट्रीय पहलू में विचार करें तो डायस्पोरा में तो मुमकिन बहुत ज़्यादा योग की पॉपुलैरिटी है बट अच्छी बात ये है की योग की पॉपुलैरिटी सिर्फ इंडियन डायस्पोरा में नहीं है इंडियन डायस्पोरा के बाहर भी बहुत ज़्यादा है बिल्कुल और आ, किसी भी देश की जो स्टैंडिंग है आज की तारीफ में वो कई चीज़ों पर डिपेंड करती है हार्ड एट्रीब्यूट्स आपकी मिलिट्री पावर क्या है बिल्कुल आपकी स्ट्रेंथ क्या है आपकी कैपेसिटी क्या है आपकी इकोनॉमिक साइज क्या है लेकिन उसके बाद कुछ सॉफ्ट एट्रीब्यूट्स भी हैं जो कि बहुत अहम रोल प्ले करते हैं एक कंट्री की स्टैंडिंग को डिटर्मिन करने बिल्कुल, के लिए बिल्कुल 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 तो मोदी जी ने आई थिंक इस बात को बहुत अच्छे से समझा और आ, मेरे ख्याल से इंटरनेशनल स्टेज पे प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला इनिशिएटिव उन्होंने लिया और इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर हुआ आ, उन्होंने 2014 में ये इनिशिएटिव लिया और अब हम कल जो है इसका दसवां वर्ष मनाएंगे बिल्कुल तो योग की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है और योग एक अच्छी चीज़ है इसमें मन और शरीर का संतुलन बढ़ता है और आसान सी बात जो सबको समझ में आती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहना चाहूँगा सबको ये समझ में आता है कि योग करने से एक हेल्थ को फायदा होता है और इसलिए बहुत जगहों पे जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स हैं वो इससे जुड़ी हुई हैं कि अगर आप योगा का कोई कोर्स करते हैं योगा की चीज़ करते हैं तो आपको उसमें रियायत मिलती है तो एक बेनिफिशियल इम्पैक्ट देखते हुए और एक अच्छी चीज़ देखते हुए योगा से इंडिया के लिए गुडविल बढ़ती है कि भाई इंडिया में अच्छी अच्छी चीज़ें निकली हैं पुराने जमाने की इंडिया की कल्चर है तो अब हम कई दफ़ा ये समझते हैं कि सॉफ्ट पावर माने क्या है कि नाच गाने हैं बिल्कुल और आ, वो सब चीज़ें हैं लेकिन योग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चीन का ज़िक्र किया डॉक्टर साहब ने तो आ, एक दफ़ा मैंने शायद मजाक में ही कहा होगा किसी ने कि इंडिया से भी ज़्यादा जो है लोग बाग योग करते हैं चाइना में मोटी बात यह है कि हज़ारों की तादाद में इंडियन योगा टीचर्स हैं वो इंडिया से योग पढ़ के गए हैं और वहां पे चाइना में पढ़ाते हैं लाखों की तादाद में चाइना में लोग बाग योग कर रहे हैं तो आज तो हमारे एडवर्सेरियल रिलेशन हैं अगर हमारे कभी किसी वक्त में आगे चाइना से अच्छे रिलेशनशिप सुधरेंगे या हुँ। बनेंगे हुँ। तो उसमें योग का और बॉलीवुड का दोनों का बहुत बड़ा बड़ा हाथ होगा बिल्कुल और वीरेंद्र गुप्ता जी की जो बात है डॉक्टर साहब वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हार्ड पावर की भी कैपेसिटी को समझते हैं और सॉफ्ट पावर की कैपेसिटी को भी समझते हैं क्योंकि वो खुद एक डिप्लोमेट रहे हैं यहाँ पर एक बात ये भी है और मैं आपकी भी राय उस पर लेना चाहूँगा कल ही मेरी एक योग शिक्षक से बात हो रही थी आप ही की अकेडमी से निकला हुआ एक छात्र था जो योग शिक्षक हुआ उसे चा, चाइना में बुलाया गया तो मैंने कहा किस विषय पर बुलाया गया है तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर वो गंगा यांग से डायलॉग कर कर रहे हैं ये उनकी सेमिनार का विषय है एक वहाँ की नदी है एक यहाँ की नदी है और दोनों को लेकर उन्होंने एक डायलॉग जो है वो रखा है और वो वहाँ के सोसाइटी में भारतीय भारत के जो योग शिक्षक हैं वो भारत के प्रति जो उनका जो नज़रिया है प्रस्पेक्टिव है उसमें बदलाव का बहुत बड़ा कारण बन रहे हैं ये बात क्या सही है कितनी सही है इसे भी हम आपसे समझेंगे और एक साथ में ये भी आप हमें समझाइए कि जो उन्होंने इशारा किया कि क्या ये भी दिन आ रहे हैं या आ चुके हैं जब भारत से ज़्यादा पॉपुलरिटी और योग की वो चाइना या अमेरिका जैसे देशों में होने लगी है या होने लगेगी क्योंकि मैं देख रहा हूं आप ही ने बताया एक बार कि 600 के आसपास कुल मिलाकर इंस्टीट्यूशंस हैं डिपार्टमेंट्स हैं योग के भारत में यूनिवर्सिटीज़ में 400 के आसपास होंगे 200-300 के आसपास जो है वो पर्सनल लेवल पर अकेडमीज होंगी लेकिन डेटा ये कहता है कि अमेरिका में ये आज की डेट में 4000 के आसपास हो गई है, उनतालीस का डेटा है और चाइना में भी ये बहुत बड़ी मात्रा में इस तरह के अकेडमी और इस तरह के सेंटर शुरू हुए हैं तो इस पर भी आप अपना नजरिया स्पष्ट करें सबसे पहले जो वीरेंद्र जी ने बताया वो सही है हमने आपको मालूम होगा आदरणीय प्रधानमंत्री 2015 में योगा भारत चाइना योग कॉलेज कु में स्टार्ट हुआ है हमने भी वहाँ आकर जाकर पढ़ाई किया है और आज भी वाई -सी -सी ने और आयुष मंत्रालय ने वहाँ योग प्रोफेसर को भेजते हैं हर साल दो और सही कहा है कि हजारों मात्रा में योग टीचर्स इंडियंस है उनको बहुत डिमांड है लेकिन वहाँ यूरोप से कहीं से योगा से से बहुत और भी टीचर्स है बिकॉज चाइना बड़ा देश है हजार दो हजार टीचर्स उनके लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि तो उनके ये नहीं कि हजारों मात्रा में उन लोगों का वहां भी टीचर्स है लेकिन इंडियन टीचर्स को डिमांड डिमांड इतनी है कि वो एक्सपेशली वो चाहते हैं यंग आर योग से दो में यंग आर जी को वहाँ बहुत बड़ा नागरिक सम्मान किया चाइना ये वाला में हमें भी बुलाया था हम भी पांच छह बार गए हैं जो अच्छे अच्छे यहाँ का पूरा टीम आया था भारत में और इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करके गए थे जब मैं निर्देशक था पूरा करने के बाद हमें दो ऑफर आईबीबी भी, भी लेटर है मुझे विजिटिंग प्रोफेसर बनाया प्रोफेसर फाउंड्री किया क्योंकि जहां जहां अच्छे टीचर्स मिलते हैं चाइना सरकार ने पिछले एक दशक में उससे ज्यादा दो से बहुत बार आकर उन लोगों को लेकर जाने के प्रयास किए, लेकिन पिछले दी चा, चार चार पांच साल से थोड़ा सा दोनों डिप्लोमेटिक रिलेशन इतना अच्छा नहीं है फिर भी जो योग टीचर्स का आदान प्रदान आज भी जारी है उसमें मुझे लगता है कि कितना पहले जैसे नहीं है लेकिन कुछ भी वो अपने लेवल पर जाते हैं आते हैं कुछ तो चलता रहता है कि आने वाले दिन में देखेंगे कैसे हो सकता है दूसरा आपने महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जो मैं बताया कि जो स्टैंडर्ड टीचिंग्स होते सरकारी तौर पर जो यूनिवर्सिटीज डिग्री प्रदान करते हैं उसको एक स्टैंडर्ड होते हैं लेकिन आप हरिद्वार देख लीजिए वहां भी हमारा 300 से ज्यादा सो so, वो सेंटर्स है एक हरिद्वार ऋषिकेश में ऐसे मैसूर में भी है अलग अलग शहरों में जो नॉन सर्टिफाइड है वो अमेरिकन योगा लाइनसेस का चलाते हैं वहां भी हजारों संख्या में ऐसे भारत में भी है लेकिन उनका सेंटिटी नहीं है आपने सही कहा कि विदेश में जो योगा लाइंस है किसी को रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं इसलिए भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय ने एक योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड चालू किया हमने उसमें ऑलरेडी पचास हजार से ज्यादा सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स को रखा और कम से कम दो सौ के करीबन हमने एक सौ से करीबन हमने सर्टिफाइड किया से सेंटर और बड़े बड़े संस्थाओं को अब वो प्रोसेस जारी है कहने के ये मतलब है कि आने वाले दिन में जो लोगों को जनमन तक पहुंचाने के लिए मुझे लगता है कि भारत देश में भी दस लाख से ज्यादा वेल इलेवन लाख और ट्वेल्व लाख वेल सर्टिफाइड टीचर्स चाहिए हमारा 600 सौ छह लाख साढ़े छ लाख से ज्यादा गांव है गांव तक हमने ये कहा था कि कम से कम 5000 हजार का जो जनसंख्या है वहाँ एक योगा टीचर होना चाहिए अभी पांच साल में मुझे लगता है कि वो आ, नया उनका मैनिफेस्टो पे भी लिखा हुआ है कि हमने ग्लोबल सर्टिफिकेशन योग और आयुर्वेद में जारी करेंगे तब मुझे लगता है कि उसके लिए हमें और भी बड़ा कदम लिया तो जो क्वालिटी एजुकेशन हमारे योग संस्थाएं देते हैं यूनिवर्सिटीज देते हैं अच्छे अच्छे वहां कहीं आपको बाहर में मिल ही नहीं, नहीं सकते क्योंकि वो योग हमारा धरोहर है इसमें साइंस एंड आर्ट्स के लिए यही से ज्यादा अच्छे टीचर्स जाएंगे जो भी वहां नाम किया है उसका मूल भी इंडियन है आज वो वेस्टर्न भी है तो यहाँ आकर सीख वहां जाकर प्रयास के बहुत कम लोग वहीं से पैदा होकर आप चालू हो गया होगा जितने भी आज जाने माने योगाचार्य आपको विदेश में नाम कमाए वो भी यहाँ भारत में आकर एक साल दो साल दस साल तक सीख कर वहां जाकर आश्रम खोले अदरवाइज हमारे लोग वहां जाकर अपना नाम बदल दिया होगा इस ढंग से योग का जो आ, प्रचार प्रसार में हमारे योगियों ने शिक्षक में बड़ी मात्रा में अपना भूमिका निभा रहे आने वाले दिन में भी निभाएंगे लेकिन हमें सिर्फ सरकार पर निर्धार न होना है और हमारा क्वालिटी मेरा चिंता है एक, एक अकेडेमिशियंस के नाते जब तक हम क्वालिटी रिसर्च से नहीं जोड़ते जब तक हमारे ट्रेडिशन से नहीं जोड़ते आने वाले दिन में योग डाइल्यूट होने लगेगा योग के नाम पर हम एक्सरसाइज करने लगेंगे माइंड बॉडी कनेक्शन नहीं होते हैं और मेरा एक्शन एंड ये वाला सोच और कर्म में हमारा मिलावट नहीं होती है तब हम तनाव महसूस करेंगे करेंगे योग का मतलब है कि आप तनाव से मुक्त कैसे होती है कि माइंड बॉडी कनेक्शन ही नहीं है हम जो मन बोलते हैं उस ढंग से शरीर रिएक्ट नहीं करते दोनों में द्वंद्वता है जैसे मैं सोचता हूँ वैसे करता नहीं मजबूर होकर इसी में तालमेल करने का जो फिलोसफी दार्शनिक तत्व है हमने प्रैक्टिकली नहीं सिखाते हैं वो योग नहीं होता मेरे अनुसार बात की बात है आत्म परमात्मा का वो बड़ा मुद्दा मैं नहीं बताता हूँ हर जिंदगी में क्या चाहिए मेरे मेरे शांत मन चाहिए सबल शरीर चाहिए दोनों में एक तालमेल चाहिए और जो मैं सोचता हूँ उसको करता हूँ ना उसमें दोनों में एक समन्वयता चाहिए योग अभ्यास जो है फिलॉसफी है वो हमें देता है वो आजकल का जरूरत है मैं मानता हूं उसको आने वाले दिन में क्या, जरूर क्या ये क्या आप इस पे आप कुछ करें जी जो आपने दूसरा सवाल पूछा हां ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप 25 30 साल पहले का सोचें तो इंडिया में योग की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी और योग सिर्फ अमेरिका में वेस्टर्न कंट्रीज में दिखता था तो उस वजह से इंडिया में पॉपुलैरिटी बढ़ी हमारी मानसिकता है ना कि जो चीज अमेरिका में होती है जो चीज वेस्टर्न जो है उधर से योगा होकर हम इंडिया हां योगा होके आ गया हमारी चीज अमेरिका में हुई और हमारे लोग बाग तो इसमें इस रामदेव जी का जरूर जिक्र करना चाहता हूं मैं उस वक्त में 2001-2 में मैं ट्रेनेडा में एंबेसडर था तो हमारे एक मित्र वहां से लौट के आए इंडिया में उन्होंने कहा कि आपको मालूम नहीं इंडिया में तो रेवोल्यूशन हो गया है और टेलीविजन पे सुबह छः बजे लोग बाग जो है वो लाखों की तादाद में अपने घरों में भी योग अब योग जो है ना पहले आपने एक स्कूल में क्लासेस में पचास सौ लोगों को पढ़ाया लेकिन एक माध्यम इन्होंने अपनाया जिनमें लाखों की तादाद में तो मेरा ख्याल है रामदेव जी का जो रोल कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इंडिया में योग को एक मास पॉपुलैरिटी प्रदान करने का ये बहुत ही जो है मतलब मेमोरेबल और नोटेबल है आ, ये ये बात एकदम एकदम सही है एक बात मैं इसी के साथ में जोड़ना चाह रहा था डॉक्टर वसव रेड्डी से आ, और वो ये थी कि क्या अभी भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ पॉलिसी लेवल पर हमें कुछ मेजरमेंट लेने की ज़रूरत है ताकि योग गांव-गांव तक पहुँचे और इसे पहुँचने में दस साल का समय भी बहुत होता है शायद हमें इसे बहुत तेज़ी से कवर कर लिया जाना चाहिए था क्या कहेंगे आप मैं मैं बात करूं हां मैं एक स्मॉल कमेंट करता हूं जो आदरणीय वीरेंद्र जी आदर साहब ने बोला है वीरेंद्र जी बोले हैं सो so, मैं सहमत हूं लेकिन मैं पार्शियल सहमत हूं हां आजकल क्या हुआ कि आज जिसने 50 मैं ऑलरेडी 40 साल से योग क्षेत्र में हूं मैं पहले योग स... योग का नाम नहीं देते थे हम लोग सूर्य नमस्कार हर रोज करते थे हम लोग आसन का अभ्यास हमने स्कूलों में सिखाया पांचवी में था लेकिन आजकल क्या हो क्या माध्यम है आपका मीडिया इज वेरी स्ट्रांग माध्यम हो गया जब तक पहुंचाने का माध्यम देखो सोशल मीडिया कितना स्ट्रांग हो गया सो so, लेकिन जो बाहर बाहर पॉपुलर हो गया इसलिए हम यहाँ हो रहा है कि लेकिन हमारा संस्कृति है खान पीन का सारे है कि गाँव में जाइए वो योग को जीते हैं योग करते नहीं वो जीते हैं हम भारतीय है, योग को जीते हैं लेकिन बाहर विदेशी योग करते हैं दोनों में एक अंतर है मैं ये बोलना चाहता हूँ हमारे योग एक जीवन पद्धति है सिर्फ आसन करना हमारे लिए नहीं है खान पान से रिलेशन में जो होता है वो जीते गांव में जाइए वो लोग योग को जीते हैं लेकिन फॉरन में योग करते हैं क्योंकि आधा पौने घंटे का योग करते हैं जीने से आपका क्या मतलब है जीने से आपका जीने, मतलब, जीने का मतलब सर हमारा जो जीने का मतलब है क्या हमारा संस्कृति है खाने का पौने का रिलेशनशिप का वर्क प्लेस में कैसे करना है कौटुंबिक परिवार में हमारा संबंध कैसे होना चाहिए सारे में योग शास्त्र में दर्शन में ही उल्लेखित है हाँ वो हमारा आप ये कह रहे हैं कि परिवार में रहना और परिवार को अच्छे से संचालित करना ये भी योग है परिवार में भी और वर्क प्लेस में और सोसाइटी में ह एक नागरिक होने के नाते नागरिक दायित्व निभाना है इसलिए आजकल इसमें योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी रखे हैं हम लोगों ने प्रधानमंत्री ने उसको चूज किया क्योंकि अच्छे नागरिक होने में क्या रहे? सारे है, है सारे आपको पंचकोश के तो आते हैं नागरिक प्रज्ञा की बात होती है यम नियम की बात होती सारे फिलोसफी है लेकिन उसको टेक्नोलॉजी में बदलकर हमने वो लोगों तक पहुंच लिया उसको करिकुलम बना दिया देन योग ऐसे हो गया बिल्कुल, तो so, ये मेरा छोटा सा अंतर है सर ने जो कहा है कि उसमें मैं विरोध ये सही किया लेकिन उसमें समझने में अंतर है आज आसन का प्राणायाम का जो विदेश में जिस ढंग से जी गए थे थर्टी फोर्टीज में और शिवानंद जी निर सॉरी बिहार स्कूल ऑफ युवा के बड़े बड़े निरंजन जी ऑस्ट्रेलिया में बहुत पॉपुलर करके आया है वजह से पिछले छह दशक हो गया फोर्टीज में गया है वो जी ने भी के संगार बिल्कुल बिल्कुल तो उन जमाने से उन लोगों ने योग यहाँ से ही गया लेकिन क्या हुआ उन लोगों ने हाँ वन मैं चाहता हूँ विशेष तौर पर यूरोप में और अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में उन लोगों के जो हम सीखने के लिए जाते हैं ना उन लोगों का जो आ, मतलब इज्जत है योग के बारे में वो माइक्रो लेवल पर जाकर वो लोग आपको बहुत मजा आता है आपको सिखाने में क्योंकि दे टेक इट वेरी so इसके वजह से बिल्कुल वीरेंद्र जी भी यहाँ पर कुछ अपनी बात रखना चाहते देखिए इंस्टीट्यूट और जो हमारे स्टैब्लिश इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने बहुत किया है और लेकिन उनकी कैपेसिटी लिमिटेड है बिल्कुल। और हम योगा को इंडिया में हजारों लाखों की तादाद में बढ़ाने की बात नहीं कह रहे हैं हम करोड़ों की तादाद में बात कर रहे हैं उसके लिए इनफॉर्मल इन्वॉल्वमेंट लोगों का जरूरी है बिल्कुल। तो हम अगर यह अप्रोच लें कि एक फॉर्मल एजुकेशन ही सही है इनफॉर्मल एजुकेशन सही नहीं है तो मेरा ख्याल है कुछ कमी रह जाएगी आपने एक सवाल पूछा था कि पॉलिसी अप्रोच कोई को पॉलिसी इंटरवेंशन हो सकता मैं उस पर एक सजेशन देना चाहता हूँ कि एक प्रैक्टिकल सजेशन uh, देश में किसी भी डेवलपिंग नेशन में इंडिया इज आल्सो अ डेवलपिंग कंट्री तो दो चीज़ों की बड़ी चिंता रहती है एजुकेशन और हेल्थ और प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं आ, आ, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए और सब बड़े लोग वृद्ध लोगों के लिए बिल्कुल तो उस उसके विचार से अगर हम सोचें योग जो है और जितना हम उसको पेनिट्रेशन बढ़ाएं गांवों में पहुंचाएं बिल्कुल तो इससे एक प्रिवेंटिव हेल्थ हुँ, हुँ। जो है उसमें बहुत इजाफा होगा बिल्कुल और सिर्फ ये बात करने की बात नहीं है बिल्कुल इसका मतलब कि होगा हम प्रिवेंटिव हेल्थ करना चाहते हैं हम हेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं हेल्थ के अच्छे डिविडेंड होंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा उसके लिए पैसा खर्चा होगा हुँ। तो गवर्नमेंट को दे शुड गवर्नमेंट शुड या मार्क मोर फंड्स टू प्रमोट आउटरीच ऑफ द योग हुँ। और सारे गांवों में रूरल कम्युनिटीज में सब जगह जो है वो योग को बढ़ाना चाहिए आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हर गांव एक वेलनेस सेंटर जी हाँ एक शॉर्ट टर्म में लगता है हमको कि योग के लिए क्या है बस जितने वो कोई इंस्टीट्यूट चला दिया उसमें हमारे टीचर्स हो गए वो एक दूसरे को पढ़ा लेंगे नहीं सरकार विषय है सरकार को सौ हजारों करोड़ पैसा इसमें लगाना चाहिए आई थिंक लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही जो है वाइज स्टेप होगा और आपके हेल्थ केयर में लाखों करोड़ों से बचा के आप हजारों करोड़ों में यहाँ पे बचा, काम निपटा लेंगे बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपका भी डॉक्टर साहब बहुत एक बहुत ही शुक्रिया बात, जी जी एक जी. ही बात मैं उससे वीरेंद्र साहब से सहमत हमने इसलिए जो यूरोप में प्रिवेंटिव हेल्थ पर थ्री पॉइंट टू परसेंट से ज्यादा बजट होती है हमने पिछले पांच साल से निवेदन करे एक पाइपलाइन में भी है हमारा ये निवेदन है पांच हजार लोगों के लिए योग शिक्षक होना चाहिए आ, दस हजार लोग यहाँ मिनिमम मिनिमम इसे प्लानिंग में है पाइपलाइन में है वो लागू हुआ तो हमने कहा कि दस लाख से या बारह लाख से ज्यादा हमारे योग टीचर्स चाहिए सर से मैं समझ हूँ कि जो फॉर्मल एजुकेशन से पूरा नहीं होता इसलिए हमने योग सर्टिफिकेशन ढंग से इनफॉर्मली उनको नॉलेज एंड स्किल पर सर्टिफाई करके जमीन पर आ रहा है स्लोली स्लोली उसमें क्वालिटी लाने के प्रयास वो भी जारी है तो इसलिए बजट जो बात करें मैं हंड्रेड परसेंट सहमत हूँ इसको और भी बजट चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और स्टेट गवर्नमेंट से और ये होना चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब कुल मिलाकर यहाँ पर ये यह बात जो है निकल करके आती है कि योग जो हैं उसके प्रैक्टिशनर्स वो गांव-गांव इस्टेब्लिश हों गांव-गांव मतलब योग जो है वो केवल यूनिवर्सिटीज़ के डिपार्टमेंट्स का या फिर व्यक्तिगत अपने कमरे में खुद से योग कर लेने का इसके साथ साथ वो जो है उसका प्रचार प्रसार जो है और विस्तार वो ज़मीन तक अगर होगा और जैसा कि डॉक्टर रेड्डी ने कहा कि करीब दस लाख योगा टीचर्स जो हैं वो शहरों के वार्ड्स में और करीब छः सात लाख गाँवों में अगर वो इस्टेब्लिश होंगे तो जाहिर तौर पर बड़ी मात्रा में लोग उनसे जुड़ेंगे उन केंद्रों से जुड़ेंगे और देश में जो स्वास्थ्य है उसके क्षेत्र में भी प्रगति होगी साथ ही एक जो आज का एक थीम है विषय है स्वयं और समाज तो कहीं ना कहीं जैसे ब्यूरोक्रेट्स हैं ब्यूरोक्रेसी है विदेशों से हमारे संबंध हैं तो शायद ये जो संवाद है और जो अप्रोच है अगर वो योग की अप्रोच होती है उस दर्शन की अप्रोच होती है तो हमारी जो डिप्लोमेसी है हमारी ठीक है वो एक तरह से योगा की तरफ भी वो वो भी उसमें एक अप्रोच जो है उसमें जुड़ सकती है और जाहिर तौर पर भारत की जो आ, भारत की जो अप्रोच है वो बाकी देशों की अप्रोच से शायद वो अलग हो सकती है क्योंकि वहाँ पर जो योग है वो फिजिकल योगा वो ज़्यादा है लेकिन जिस तरह से माइंड बॉडी उसकी अप्रोच को कैसे कनेक्ट करना वो भारत का एक दर्शन है वो वैशिष्ट है और उसके साथ ये सब बहुत बेहतरी के साथ चल सकता है तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए आपका मुद्दा में फिर मिलेंगे नमस्कार टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और हाँ इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें